नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कपूर, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। तो इस बार आपके लिए लेके आया हूं मैं 75 गज के अंदर 2BHK, यानी बहुत ही अच्छा स्पेस होगा उसके अंदर। और 75 गज के अंदर वो फ्लैट है जो कि 2BHK का फ्लैट है। मेट्रो स्टेशन से जो डिस्टेंस की बात करूं तो 300 से 400 मीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस आता है इसका। साथ ही पास में आ रहा है आपका पालम रेलवे स्टेशन आ रहा है, मार्केट वगैरह आपकी पास में है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। 75 गज के अंदर ये 2BHK फ्लैट है और ये अपना राजनगर पार्ट 2 के अंदर है। 75 गज 2BHK, लिविंग एरिया अच्छा है, बेडरूम्स अच्छे हैं, दो बाथरूम के साथ है और सिर्फ सिंगल इन्वेंट्री अवेलेबल है इसमें। पूरी बिल्डिंग सोल्ड आउट हो चुकी है, इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट अवेलेबल है और वो भी अपर ग्राउंड। तो जल्दी से जल्दी आइएगा, बुक कराइए। तो अब भी पहले मैं लेके चलूंगा अपनी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। तो फ्रंट एलिवेशन देखने के बाद सीधा हम एंट्री करेंगे हमारे फ्लैट के अंदर। तो जल्दी आइए दोस्तों और चलते हैं मेरे फ्लैट के पास। और हाँ, एक चीज और कि आपकी तरफ से थोड़े लाइक्स की कमी है, शेयर और सब्सक्राइब आप अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो इसीलिए पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से ही फ्लैट्स और लेके आता रहूं। तो चलते हैं मेरी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारी बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पे। फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है, जिसके अंदर ब्राउन और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने टाइल्स दी है और सारा जो है इसका स्टील यूज किया गया है। सारी की सारी ग्रिल्स जो है वो स्टीलिंग में हमने दी हुई है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमारी बिल्डिंग के सामने की तरफ का जो रोड आ रहा है, वो रोड का साइज है, वो कम से कम 25 फीट की हमारी वाइड गली है और बहुत ही नीट एंड क्लीन गली है। आस पड़ोस में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। तो ये हमारी गली आ गई। इसके बाद अब हमने एंट्री करी हमारी पार्किंग एरिया में। ये हमने सारे के सारे अलग मीटर बॉक्सेस हमने लगा रखे हैं सेफ्टी पर्पज से। ये आप पार्किंग देखेंगे, इसके अंदर आपका जो मेरा ये फ्लैट बचा हुआ है 75 यार्ड का, इसके साथ मैं आपको दे रहा हूँ कार पार्किंग। तो अब हम लेके चलेंगे कार पार्किंग के बाद आपको अपने फ्लैट के अंदर। तो आइए दोस्तों, ये एंट्री कर रहे हैं हम हमारे फ्लैट के अंदर। जो फ्लैट के अंदर 75 गज का जो मैंने आपको फ्लैट बताया, इस फ्लैट के अंदर जो आपका ये लिविंग एरिया का जो साइज है वो है आपका 10x15 का। ये पूरा का पूरा लिविंग एरिया का साइज है और सामने की तरफ हमने दे रखा है आपका LED पैनल। बहुत ही खूबसूरत हमने 4 सीलिंग का डिजाइन दे रखा है। इसके साथ ही साथ क्या है कि हमने आपको लेके जो मतलब ये 4 सीलिंग के पैटर्न के साथ ही साथ अभी हम आपको कॉप लाइट्स वगैरह भी लगा के देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं कि एल शेप में आप ना इसी लिविंग एरिया में एक सोफा प्लेस कर सकते हैं और सामने की तरफ आपका LED पैनल होगा तो आप उसको देखते हुए अपना मूवी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे सामने एल शेप का सोफा प्लेस करते हैं। अब आ गए हम हमारे किचन एरिया में, जो लिविंग एरिया के साथ अटैच होता हुआ हमारा आगे किचन एरिया। कितना खूबसूरत हमने इसका आपको स्टार्टिंग के अंदर डिजाइन दिया हुआ है। व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर हमने आपको ड्रॉर्स दे रखे हैं इसके अंदर किचन के। सामने की तरफ हमने अपने आपको टाइल्स दिए, चिमनी हम इसके अंदर लगा के दे रहे हैं और इवन किचन एरिया जो है हमारा, इस किचन एरिया के अंदर हम आपको होटल कोल्ड वाटर की भी फिटिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ ये रहता है कि इसके अंदर जितना भी आपका ड्रॉर्स वगैरह का काम हुआ हुआ है वो जितना भी है वो सारा SS का स्टील यूज करते हैं हम। ये सारी हिंडवेयर की चिमनी और SS के स्टील के अंदर हम आपको इसके अंदर जितनी भी बास्केट्स वगैरह हैं सारी हम आपको लगा के दे रहे हैं। किचन एरिया का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। वेंटिलेशन की बात करूँ, पीछे की तरफ से हमने शाफ्ट दी हुई है। बाद अब फिर मैं आपको लेके चलूंगा हमारे मतलब कॉमन वॉशरूम के अंदर। पैसेज से होते हुए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मेरा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन वॉशरूम के अंदर हमने वॉल टू वॉल आपको टाइल्स दी हुई हैं। मतलब आप ऊपर तक देखेंगे तो पूरा टॉप तक आपको यहाँ पे टाइल्स का काम हुआ हुआ है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे हमने शाफ्ट दी हुई है और इसके अलावा हम आपको इसके अंदर गीजर प्लेस करके दे रहे हैं। अब हम आ गए हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम में आप देखेंगे कि बहुत प्यारा हमने इसमें टेक्सचर पेंट का डिजाइन दिया हुआ है। ऊपर हमने इसके अंदर POP का डिजाइन बनाया हुआ है और यहाँ पे ये है कि पूरा का पूरा जो रूम का साइज है वो लगभग आप लगाइए कि अपना 12x10 का आपका रूम आ रहा है। और हमने एक शाफ्ट इसके अंदर एक और दे रखी है जो कि आपके वॉशरूम को अटैच करती है। इसके साथ अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको सेकंड बेडरूम में। आप देखेंगे सेकंड बेडरूम जो हमारा है
वो हमारा 15 बाई 10 का बेडरूम है, मतलब बहुत ही शानदार बेडरूम है। और इसके साथ आपको एक अलमीरा मिलती है। और ये बेडरूम जो हमारा आता है, ये हमारा आता है अपना बालकनी एरिया के साथ, यानी बालकनी इसके साथ अटैच होके आती है। तो अगर अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि बालकनी एरिया में हमने आपको एक मतलब इंडियन टॉयलेट हमने बना के दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हो। काफी अच्छी हमारी बालकनी है, जहाँ पे आप अपना यहाँ इस बालकनी के अंदर अपनी वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं, कपड़े लगा सकते हैं, सुखा सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये 75 गज के अंदर 2 BHK फ्लैट, और वो भी आपको इस लेके आया हूं मैं राजनगर पार्ट 2 के अंदर। आपने जैसे देखा किस तरीके से फिनिशिंग के साथ इसके अंदर काम हो रखा है, बहुत ही अच्छा लिविंग एरिया है, बहुत ही अच्छा बेडरूम है, और 2 BHK के ये फ्लैट है जिसमें आपको मैं चिमनी गीजर इसके अंदर मैं लगा के दे रहा हूँ। अपर ग्राउंड ये फ्लैट था, सिर्फ सिंगल यूनिट अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी हमें कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए, और आप इस बुकिंग इस फ्लैट की बुकिंग करा सकते हैं। और बाकी क्या है कि जो भी अगर इस फ्लैट के बारे में और भी कोई डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगी। बार बार आपसे मैं ये कह रहा हूँ, इसी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके पास इसी तरीके से फ्लैट लेके आता रहूं। तो अब बात करते हैं हम इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है 36 लाख रुपए। जी हाँ, मात्र 36 लाख रुपए के अंदर आपको अपर ग्राउंड फ्लैट दे रहा हूं मैं, 75 गज का फ्लैट दे रहा हूं राजनगर पार्ट 2 के अंदर। मेट्रो स्टेशन से जो डिस्टेंस है वो 300 से 400 मीटर का डिस्टेंस है, और जो रेलवे स्टेशन है पालम का रेलवे स्टेशन है वो भी मैक्सिमम 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। तो जल्दी से जल्दी आइए हमारे चैनल पे, कॉल देख के नंबर देखिए, कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आगे हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।